सिर्फ से एज ए एम्प्लॉय जॉइन नहीं किया था एज ए ऑफिस बॉय ज्वाइन किया था बट कंपनी ने मेरी काबिलियत देख के मुझे लोन ऑफिसर बनाया था ये कंपनी एक स्टार्टअप स्टेज पे है यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं सीखने के लिए करने के लिए और मैंने देखा यहाँ का वातावरण बहुत पॉजिटिव था और वाइब्रेंट था ऐसे परिवारों को भी लोन देना जो कि वाकई में मेहनत करते हैं पर हो सकता है कि भाई उनके पास कागजात नहीं हो इनकम टैक्स ना भरते हो हो सकता है कि सैलरी है पर सैलरी स्लिप न मिलती हो पर परिवार में जज्बा है जब मैं इस कंपनी में ऑफिस बॉय था तब मेरे ब्रांच मैनेजर जितने मुझसे सीनियर थे तब मुझे पहले ये कहते थे सागर चाय ला पानी ला टेबल साफ कर दे अब जब से मैं इस कंपनी में लोन ऑफिसर से बन लोन ऑफिसर से जोड़ा हुआ हूँ अब मुझे ये बातें सुनने को मिलती है कि सागर इसमें है तो कितने लोग इन करेंगे कितने फैल डिस्बस करेंगा यहाँ स्टेबिलिटी है यहाँ आई में मैंने इंसेंटिव और सैलरी पैसे जोड़ के मैंने एक प्लॉट खरीदा है ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है मैंने घर की जिम्मेदारी को संभाला है अपने आई में कैरियर में तीन साल के जोड़े पैसे से मैं शादी करने जा रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड फील होता है मैं आ, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट पर नहीं रहा मेरे को कई डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिला और मौका मेरे को चाहिए भी था और मौका मिला भी और उस मौके का फ़ायदा भी उठाया और आज मैंने आई में ही मैंने ऑपरेशन में काम किया है सेल्स में काम किया है अकाउंट्स में भी काम किया है और अब मैं कलेक्शन भी देख रहा हूँ तो सब डिपार्टमेंट का जो है मेरे अंदर गुण भरा हुआ है मुझे कई चुनौतीपूर्ण असाइनमेंट दिए गए विद अ डेड तो डेडलाइन के दबाव में काम करते हुए अपने काम को कैसे मैनेज करना है और उसे अच्छे से पूरा करना है ये मैंने आई एफ आई का जो इंसेंटिव uh, स्ट्रक्चर और सैलरी स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि मैं पहले सोचता था मुझे कोई चीज़ लेना है कोई मेरी ख्वाहिश मेरी पूरी पूरी करना है तो मैं पूरी कर नहीं पाता था लेकिन आज मैंने हाल ही में आई के पैसे से मेरे खुद के पैसों से एक लैपटॉप ख़रीदा है हेल्थी uh, कॉम्पिटिशन है जो कि समय समय पर सेल्स कॉन्टेस्ट आते हैं उसको सारे लोग मिलकर अचीव करते हैं और मैंने समय समय में इन पाँच सालों के अंदर Uh, काफ़ी कॉन्टेस्ट आए हैं कंपनी के जो कि हमने अचीव किए हैं मैंने खुद ने अचीव किए हैं और मेरी टीम जो है उसको मोटिवेट रहती है उनको अचीव करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए यह एक परिवार की तरह है एक फैमिली की तरह है अगर कोई भी एलो किसी तरह से अच्छा काम नहीं कर पाता है तो उसे ब्रांच मैनेजर से लेके पूरे सीनियर एलो सपोर्ट करते हैं और ऑफिस से रिलेटेड ही नहीं उसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी अगर कोई उसे प्रॉब्लम होती है तो सब लोग उसे मिलकर सपोर्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का इतना ध्यान रखती है जो कि मैंने अपनी पहले की कंपनियोंज़ में कभी भी नहीं देखा किसी के मदर को ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे और वो उसके अकाउंट में दो घंटे के अंदर पहुँचा दिए गए थे तो ये सब चीज़ें जो है ये कंपनी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है और इसीलिए जो यहाँ पे यहाँ से जाने का मन भी नहीं करता कभी यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है हर चीज़ों के अंदर चाहे एम्प्लॉय के रिलेटेड हो चाहे कस्टमर से रिलेटेड हो एकदम ओपन डोर पॉलिसी है कि आप कभी भी आके कुछ भी शेयर कर सकते हैं मुझे यहाँ काम करे हुए अभी पाँच साल हो गए मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये अनसेफ है ये बहुत फीमेल फ्रेंडली इन्वायरमेंट है आप अपने कस्टमर से अपने कलीग्स से सभी से हिंदी में बात कर सकते हो लिखना वगैरह जो भी आपका सारे काम जो हैं वो आप हिंदी में कर सकते हो यहाँ पे इतना फ्रैंक कंपनी ने माहौल देके रखा है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने जो थॉट्स हैं वो अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं बता सकते हैं शेयर कर सकते हैं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ऑफिस आते टाइम मेरा सुबह के टाइम एक बार एक्सीडेंट हो गया था और जिस जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ पे सबसे पहले हमारे कंपनी के एम डी वहाँ हुए थे और चार महीने मैं बेड पर रहा लेकिन इस चार महीने मेरी एक भी दिन की तनख्वाह नहीं काटी गई तीन नवंबर 2014 जब लीडरशिप मीट हुई थी तो उस समय मेरे को ये पता नहीं था कि मुझे अवार्ड दिए जाने वाला है जब शाम को मीटिंग स्टार्ट हुई तो उस मीटिंग में मेरा नाम जब बेस्ट लोन ऑफिसर के रूप में चुना गया तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा आई एस में सेल्स को बढ़ाने के लिए हमेशा कोई ना कोई कॉन्टेस्ट लॉन्च होता है जिसमें से एक कॉन्टेस्ट बैंकॉक ट्रिप का था उसमें कुछ टारगेट अचीवमेंट करना था तो वो टारगेट मैंने अचीवमेंट किया तो मैं अभी बैंकॉक टूर जाने वाला हूँ मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं विदेश यात्रा करूंगा इंडिया शेल्टर में मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकता जिस पल मेरे काम को और मेरी ब्रांच के काम को ऑल इंडिया लेवल पर नेशनल लेवल पर सराहा गया ट्रेनिंग देने के बाद जब वो पहला फ़ोन आता है उस लोन ऑफिसर का सर आपने जो ट्रेनिंग सिखाई थी जो ट्रेनिंग में बताया था सर मैंने इतने परिवारों को लोन दे दिया है सर जैसे कंपनी ने मुझे अभी मौका दिया है ऑफ़िस बॉय से लोन ऑफिसर बनने का वैसे ही मेरा आदर ई मानदेय कड़ा परिश्रम देख के कंपनी मुझे और भी मौके देंगी मैं भी जिस ब्रांच में ब्रांच मैनेजर बनने जा रहा हूँ सभी ब्रांचेस के मुकाबले वो ब्रांच काफ़ी पीछे है तो मैं उस ब्रांच को भारत का नंबर वन ब्रांच बना के रहूँगा ये मैंने ठान ली है मैं यहाँ पर क्लस्टर मैनेजर बनना चाहता हूँ और मेरे साथ में जो लोन ऑफिसर काम कर रहे हैं उनमें से कम से कम दो को ब्रांच मैनेजर बनाना चाहता हूँ मैं यही चाहता हूँ कि आगे चल के लोग यही कहें कि अगर जाना है तो आई एस में ही जाएँ आप लोन लेने वहाँ पे आपको इज्जत भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा और आपको टाइम से लोन भी मिलेगा अभी हम 400 जनों की कंपनी है अगले दो तीन साल में हम दो से तीन गुना बढ़ जाएंगे और मैं चाहती हूँ कि ये इम्प्लॉइज की फर्स्ट चॉइस हो और ज्यादा से ज्यादा फीमेल ज्वाइन करें आए और आगे बढ़े आज की तारीख में चौदह हजार परिवार और छह राज्य मेरी सोच ऐसी है कि भारत का हर राज्य हर शहर शहर का हर घर हर परिवार की जो एक इच्छा है जो एक सपना है कि हमारा अपना घर उसको सच करने में अगर हम लोग अपना योगदान दे सकें तो इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं मिलेगी